नमस्कार, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं लोक कला मंच लोधी कॉलोनी दिल्ली में, जहां पर पदार्पण थिएटर एवं इवेंट ग्रुप के कलाकारों द्वारा एक नाटिका का मंचन किया गया। मंच पर सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार को बखूबी निभाया और सभी कलाकारों की प्रतिभा ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। ओ हाँ, आज अचानक पीटर सिमनॉइट से मुलाकात हुई। कौन? पीटर सिमनॉइट, जिससे एक हफ्ते पहले बाग में मिले थे, याद नहीं? सुंदर सजीला सा कुंवारा नौजवान। वो बहुत ही खटिया और गद्दा आदमी, बस मुझे इतना याद। लेकिन डार्लिंग, अपने बारे में उसके विचार सुनोगी तो तुम ऐसा नहीं कहोगी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसके किसी भी बारे में विचार सुनने। लेकिन डार्लिंग, तुम्हारे बारे में उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है वो, तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारी सुशीलता से। उसे लगता है तुम में किसी को प्यार करने की असाधारण क्षमताएं और विशेषताएं हैं, जैसे कि तुम्हारी आंखें और जिस अंदाज से तुम देखती हो। उसने तुम्हारी बहुत तारीफ की, लगातार कहता रहा। अच्छा, गुड नाइट डार्लिंग। गुड नाइट। और इसके अलावा है? इसके अलावा उसने और क्या क्या कहा मेरे बारे में? पीटर ने, जो भी नाम है उस घटिया आदमी का, उसने और क्या क्या कहा मेरे बारे में? बस यही जो भी मैंने तुम्हें बताया। पर तुमने तो कहा कि वो लगातार कहता रहा। हाँ, ये तो है। तो जब वो लगातार कहता रहा तो तुम क्यों चुप हो गए? तुम्हें भी चुप नहीं होना चाहिए। या तो लगातार कहते रहो या फिर चुपचाप सो जाओ। हाँ, वो कहने लगा उसे मुझसे ईर्ष्या होती है, और ये भी कहने लगा कि काश उसे भी कोई उसी नजर से देखे जिस नजर से तुम मुझे देखती हो। पर उसे कैसे पता मैं तुम्हें किन नजरों से देखती हूँ? वो उस दिन जब बाग में मुलाकात हुई थी, शायद उसकी नजर ने मुझे तुम्हें तब देख लिया होगा जब तुम्हारी नजर मुझे देख रही थी, जिससे मेरे बदन में झुरझुरी दौड़ रही थी। और वो भी मेरी नजरों की वजह से? हाँ डार्लिंग, पूरे बदन में दौड़ रही थी। पर तुम्हारी नजर तो उस पर थी, तो तुम्हें कैसे पता लगा मेरी नजर तुम पर थी भी नहीं? असलियत में मेरी नजर तो फूलों पर थी, क्योंकि मुझे ये महसूस हो रहा था कि वो जानबूझकर अपनी नजरें मुझ पर से हटा रहे। तुम्हारी झुरझुरी किसी और वजह से उठी? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। दरअसल बात यही है, वो तुमसे बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा तुम्हें सुनकर अच्छा लगा होगा। जी नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, और बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे उसकी बातें ना ही करा करो। अब कब मिल रहे हो उससे दोबारा? लंच पे। तो लंच पे मेरे बारे में बात ना ही हो तो बेहतर है। बाकी डिनर पे जो भी बात हो वो मुझे बता। गुड नाइट पार्लर। केवल बात और इसका अर्थ बने मेरे इस अस्तित्व का, मेरे इस अस्तित्व का। नाटिका के बाद एक म्यूजिक एल्बम को भी लॉन्च किया गया। एल्बम की लॉन्चिंग के बाद बीसीआर न्यूज ने सभी कलाकारों से बातचीत की। दर्शकों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं तिले नादान एल्बम की टीम से। आइए, सबसे पहले आपका बीसीआर न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सो मच। जी, अपने बारे में बताइए। आई एम नताशा शर्मा एंड जगमोहन एंड आई आर एसोसिएटेड विद दिस विद साई विजन फिल्म्स, और हमारा प्रोडक्शन का काम है और इस गाने में हमारा प्रोडक्शन का रोल है। प्रेजेंटेड बाय प्रदर्पण थिएटर है एंड प्रोडक्शन बाय साई विजन फिल्म्स है। जगमोहन शर्मा। मैं प्रोडक्शन वीरन रोई है। और सब ऐसे हमारी जो लो टीम है जो सामने नहीं आए, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। जो बच्चे हैं उन्होंने, जिस हालात में हमने ये शूट करा, ये तो बस 2 या 3 घंटे में सारा शूट कर दिया हमने। लेकिन हमें मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, ये जिन बच्चों ने पीछे करा है, या कमल है, ये पीटी है, सब इनका श्रेय है जिन्होंने टेक एक ही टेक में ज़्यादा था। और ये सारा सबसे बता दूँ, ये कोई ट्राईपोड हमने यूज़ नहीं करा है, इसमें कोई क्रेन यूज़ नहीं करी, सारा हैंडी यूज़ हुआ है। और इसके लिए मैं अपने कैमरामैन प्रमोद जी हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। लोकेशन जो है ज़्यादातर कहाँ की रही? लोकेशन हमें ऐसी थी, लोकेशन पे हमें मना करते था कि काम नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने सारा हैंडी करा है। और ये जो भी है, हमने हैंडी सारा इसको दिल्ली में शूट करा है।
आपने इसमें जो है मुख्य किरदार निभाया है अभिनेत्री का, तो उसके बारे में बताइए। एक्चुअली ये कॉलेज गर्ल का एक किरदार है जो एक लड़के को देख के ही उस पर अट्रैक्ट हो जाती है, और मेरे साथी कलाकार जो है यही वो मुख्य भूमिका में है। सारा गाना इनके इर्द गिर्द घूमता है और बस उसी को वो एक्सप्रेस करें। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल को हमने थोड़ा फ्यूजन का रूप दिया। देखा, हमने बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, और होपफुली हम नेक्स्ट टाइम भी आप लोगों को निराश नहीं करेंगे और कुछ वैरायटी ही कराएंगे। आप भी बताइए। हाय, मेरा नाम कमल किशोर है और मुझे काम करके अच्छा लगा इनके साथ। इस वाले गाने के अंदर मैंने रैप भी किया है जी। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इससे पहले आप कितने एल्बमों में काम कर चुके हैं? मैं इससे पहले 3-4 एल्बमों और काम कर चुका हूँ, जिसके अंदर थोड़ा सा मतलब चेंज था मूड, पर ये थोड़ा पैपी नंबर है तो काफ़ी अच्छा लगा। आप बताइए। मेरा नाम देव है और मैंने ये सॉन्ग कोरियोग्राफ किया है डांसिंग, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे काम करके प्रीति के साथ, कमल के साथ एंड बाकी टीम के साथ। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने ऐसे मॉडल काम किया है, रैप में मैं हूँ, प्रीति ने मेरे को मौका दिया, उसके लिए मैं उसका थैंक यू करना चाहूँगा। मैं प्रमोद कुमार, कैमरामैन हूँ उसका, और हम लोगों ने जिस हालत में शूट किया शायद लगता नहीं था कि आउटपुट ऐसा आएगा, मगर ये ऊपर वाले का साथ और इतनी अच्छी टीम का साथ होने के कारण बहुत अच्छा आउटपुट आया। और पदार्पण थिएटर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हम लोगों के बीच में लाते हैं। आप तो काबिले तारीफ़ हैं, आप अपने बारे में बताइए। बट इस एल्बम को लेकर मैं बस इतना ही बोलूँगा कि मैं चला ही नहीं था, ना जाने क्या सोच के चला तो कारवा बन गया। अगर आपकी कोई मंजिल है और आप उसको पाना चाहते हैं तो प्लीज़ उस तरफ चलना स्टार्ट कीजिए, अपने आप आपको मंजिल तक पहुंचा देगी आपकी डेस्टिनी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बीसीएन न्यूज़ से बात करने के लिए। तो देखा दर्शकों, ये हमारे साथ मौजूद थे एल्बम की टीम दिले नादान की। जी हाँ, बीसीएन न्यूज़ के लिए अजय शास्त्री के साथ मैं आफाक खान समीर, दिल्ली।